एक खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों ने 4% डीए की मांग की है। निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने पत्र लिखकर यह मांग की है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पत्र लिखा है, दीपावली से पहले ही डीए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक क्योंकि इस पर कुछ भी कहना सामने नहीं आया, इसलिए एक बार फिर से इस मांग को उठाई गई है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कि 4% डीए बढ़ाए जाने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव हुए और ऐसे में ये जो पूरा पूरी पावर है ये सरकार के हाथ से निकल जाती है। ऐसे समय में सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी होने से पहले ये सरकार फैसला ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया गया। अब चुनाव आयोग के हाथ में, निर्वाचन आयोग के हाथ में ये फैसला है। ऐसे में वो जो फैसला है कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने का, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग कर सकता है और इसके लिए इंतजार लगातार ये हो रहा है और पत्र लिख करके अपील की जा रही है कि आखिर क्यों नहीं इस पर गौर किया जा रहा, निर्वाचन आयोग इस मांग को पूरा करे। तो निर्वाचन आयोग को कर्मचारियों ने ये पत्र लिखा है और पत्र के जरिए मांग की गई है। सरकारी कर्मचारियों ने 4% डीए की मांग की है और साथ ही इससे पहले भी वो इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन जब इस पर कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को पत्र लिखा है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इससे पहले भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने इसकी मांग की थी, लेकिन इस पर जब कुछ नहीं किया गया तो अब कर्मचारियों को आयोग की तरफ जाना पड़ा और वहां पर पत्र लिखकर मांग उठाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हजारों कर्मचारी हैं जो केंद्र के समान जो डीए है उसकी मांग लगातार करते रहे हैं और 4% डीए को लेकर के दीपावली के पूर्व भी पत्र लिखा गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगा है, ऐसे में उनकी जो मांगे हैं लंबित है, मिल नहीं पा रही है किसी तरह की योजना का लाभ, तो उसे लेकर के अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके एनओसी मांगा गया है। और उन्होंने ये भी अपने पत्र में लिखा है कर्मचारी संगठन ने कि इससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान है हो रहा है, अगर उसकी अनुमति मिल जाती है, चूँकि आदर्श आचार संहिता है तो ऐसे में जब अनुमति मिल जाएगी तो राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और उनको केंद्र के समान जो 4% डीए है वो मिल सकेगा, तो उसी लेकर के पत्राचार किया गया है। लेकिन अभी किसी तरह के एनओसी ना तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिल पाई है, न ही राज्य निर्वाचन की ओर से। तो ये जो है अनुसंधान करने, ये निर्वाचन आयोग के हाथ में है फैसला कि अब वो तोहफा, वो 4% डीए मिल पाएगा कर्मचारियों को या नहीं, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अधिकारियों से, क्या संज्ञान इस पर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।